मीन काफ़ी अच्छी रही है, जितने भी टेस्ट मैच खेला हूँ अच्छी परफॉर्मेंस दिया है, और 3-5 विकेट हॉल हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है अगर जब भी स्टैट्स आते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलनी है वही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, और टेस्ट क्रिकेट में सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई मीन और पूरे गेम में आप देखेंगे कभी ऊपर आप रहते हैं कभी नीचे रहते हैं, बट इम्पॉर्टेंट होता है कि लास्ट डे आप कैसे परफॉर्म करते हैं, फिर हर सेशन में आप कैसे उसको लेते हैं। तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑब्वियसली, और साथ ही साथ में आप कि आप कितना तैयार हैं, आप कितना रेडी हैं, आप कितना हंग्री हंग्री हैं गेम खेलने के लिए। तो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रही है, कल बहुत अच्छे सेशन रहा, उसके बाद आज एक सेशन है, फिर कल भी एक सेशन है, तो टेस्ट मैच स्टार्ट होते हैं काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मीन क्योंकि यूजुअली टेस्ट क्रिकेट में आप यूज तो नहीं होते हैं कोई आप इतना अटैकिंग अप्रोच से बैटिंग करे, बट एट द सेम टाइम आपको ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व रखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है एज ए स्पिनर आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हो गेम में, आपको वो आप कैसे बॉलिंग करने वाले हो, फिर आपका अप्रोच कैसा है। जब कभी कभी आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो आप ज़्यादा वरी नहीं करते कि बैट्समैन अटैक भी करेगा, फिर आप ज़्यादा फोकस करते हो कि बैट्समैन को कैसे आउट करना है, बट यहाँ अप्रोच थोड़ा सा अलग है। आई मीन वो अटैकिंग मोड में है तो आपको भी थोड़ा सा प्लान करना है कि आपको कैसे उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, और क्योंकि शॉट्स ज़्यादा खेले तो अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा क्रिएट होती है विकेट लेने की। तो इंटरेस्टिंग है, और आई मीन मैंने पहला ही मैच खेला था लास्ट लास्ट गेम, तो काफ़ी इन्जॉय किया मैंने, और क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, विकेट बहुत बढ़िया है। आई मीन राजकोट की विकेट हमेशा ही से अच्छी होती है, चाहे आप T20 खेले, वनडे खेले, इवन टेस्ट खेले। जब मुझे याद है जब मैं लास्ट टेस्ट मैच खेला था यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी बैटिंग विकेट थी, आई एम श्योर कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स खेल इज़ नॉट अवेलेबल, सो ऑब्वियसली देर इज़ ए चांस फॉर अदर न्यू कमर हु कैन गेट द अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम श्योर दे हैव डन रियली वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड इट्स देयर टाइम टू शो वॉट दे गॉट, एंड गुड फॉर द इंडियन क्रिकेट एंड फॉर देयर इंडिविजुअल एज वेल, आई थिंक सो। एंड ही इज़ डूइंग हिज रूटीन, एंड ही डिड वन सेशन यस्टरडे एज वेल, एंड ही इज़ देयर एज वेल, सो आई थिंक ही इज़ अवेलेबल। आई एम नॉट श्योर अबाउट माई पोजिशन बिकॉज अभी मैच में भी 2 दिन है, सो इफ़ आई गेट द अपॉर्चुनिटी आई बी मोर देन हैप्पी, एंड आई डोंट थिंक टू मच अबाउट द इफ आई एम प्लेइंग अर नॉट, आई जस्ट इन्जॉय माई डे एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, दैट्स माई प्रोसेस, एंड कॉम्बिनेशन इज सच थिंग, इट मैटर्स लॉट इन टीम गेम, एंड सिंपल इज दैट। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं रैंक टेनर में खेला नहीं हूँ, लास्ट सीरीज़ भी हुई थी तो मैं नहीं खेला था, तो आई डोंट नो कि क्या अप्रोच होगी या फिर आई मीन क्या सोचते होंगे यार। बेसिकली ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, और ऑब्वियसली आप सब भी अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हो तो अच्छी क्रिकेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अब ये मुझे नहीं पता ना, मुझे अगर मुझे खेलने का मौका मिल रहा है चाहे रैंक टेनर हो चाहे फ्लैट ट्रैक हो, मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बैटिंग बैटिंग को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटिंग भी इम्पॉर्टेंट है हमारे उसके, ना कि स्पिन बॉलिंग ही इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट रहता है, फास्ट बॉलिंग भी गेम में प्ले गेम में आते हैं, और जैसा कि लास्ट गेम आपने देखा था तो क्रिकेट के लिए अच्छा है। आई मीन ऐसा नहीं है कि आपको रैंक टेनर देखने को नहीं मिलेंगे आगे, होपफुली आगे मिलेंगे आपको। नहीं, ये आपको क्वेश्चन तो कोच से ही पूछना चाहिए कि कौन फिट बैठता है टीम में, आई मीन वो मेरा काम नहीं है। एज ए प्लेयर आप हमेशा सोचते हो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप अच्छा करें, और ऑब्वियसली ये मैटर करता है, अब ये रन्स तो डेफिनेटली मैटर करते हैं, चाहे वो टॉप ऑर्डर से आएँ चाहे वो लोअर ऑर्डर से आएँ, तो इंपॉर्टेंट होता है कि टोटल आपने बोर्ड पर कितना लगाया है, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपके टॉप ऑर्डर ने 200 मार दिए तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपके लोअर ऑर्डर की, तो इम्पॉर्टेंट रहता है कि एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी होता है कि आपकी जल्दी विकेट गिर जाते हैं, फिर लोअर ऑर्डर बैटिंग करके आपको अच्छे स्कोर पे पहुंचाता है, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और गेम ही ऐसा है, आई मीन डिमांड ऐसी है गेम की कि आपको अच्छे पोजिशन में रखने की, चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो चाहे बैटिंग कर रहे हो, तो आपको हर हर जगह आप सोचते हो कि आपकी टीम बेटर पोजिशन पर हो,
आमिन, आपने अभी तो अभी आपको बोलना नहीं चाहिए कि बैटिंग विकेट है। आई मीन आप, मुझे ऐसा लगता नहीं कि बैटिंग विकेट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 800 रन बनेंगे 700 रन बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, डेफिनेटली बैटिंग बेटर विकेट रहेगा। जैसे कि आप रैंक टर्नर पे खेलते हैं तो वैसा आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा रैंक टर्नर जैसा। काफ़ी लाइव विकेट रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा क्रिकेट के लिए। ऐसा नहीं है कि स्पिन को ही विकेट निकालने हैं, और आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं हमेशा गेम में। और अगर स्पिनर्स के लिए विकेट हेल्पफुल रहा तो डेफिनेटली स्पिनर्स गेम में आते हैं। और ऑब्वियसली जब आप कोई भी मैच खेलते हैं या फिर कोई भी बॉलर अगर खेल रहा है प्लेइंग 11 में, पांच बॉलर आप खेलते हैं, तो आप के पांचों सोचते हैं कि विकेट निकाल के दे टीम के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी का दिन अच्छा होता है तो वो चार विकेट पांच विकेट निकालता है, चाहे वो फास्ट बॉलर चाहे स्पिनर हो। तो राजकोट का विकेट आप जैसा आप बोल रहे स्पिन के लिए सपोर्ट करता है, तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो और जितने भी स्पिनर खेलें और वो परफॉर्म करें टीम को जीत दिलाएं।